हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वो विश्वेंद्र। देखिए आज की जो वीडियो है वो यूपी एचजीएस के सिलेबस को लेकर है। आज हम दो चीजें जानेंगे। पहली चीज हम ये जानेंगे कि आखिर इस यूपी एचजीएस के सिलेबस में कौन कौन से नए एक्ट को जोड़े गए हैं और ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनको इसमें से निकाल दिया गया है, इस सिलेबस से निकाल दिया गया है। जिसे हम पढ़ा करते थे पहले, अब हमें वो पेपर नहीं पढ़ने हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में इन सब चीजों को जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, यूपी एचजीएस में आपका तीन चरण होते हैं, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। सबसे पहले हम प्री के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है पैटर्न फॉर यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। अब आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे। आप लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज दोनों मोड में आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। आप मेंस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख सकते हैं। यदि आपका हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी से आप मेंस लिख सकते हैं, यदि आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश आपका मेंस में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्री में दोनों आपका लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका प्री के विषय में बता रहा हूं। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। क्लियर? उससे बड़ी बात आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पर लिखा गया है नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान इस यूपी एचजीएस के प्री में नहीं किया गया है। क्लियर बात? अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि भाई यूपी एचजीएस के प्री में आखिर पढ़े तो पढ़े क्या, क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है। तो देखिए उसके लिए स्पेशली कोई सिलेबस नहीं बताया गया है। सिलेबस वही होगा जो मेंस में आप पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि देखिए इस बार के मेंस में काफी आपके एक्ट को ऐड कर दिया गया है, तो जितने भी आपके एक्ट हैं उन सभी से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अब किससे कितना बनेगा ये आयोग के ऊपर है, वो वही जाने कि कितना देंगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ना होगा। जो भी नए नए एक्ट आ रहे हैं उन सभी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन आएंगे तो वो सभी एक्ट जो मेंस में पूछे जा रहे हैं वहीं से पूरे आपके प्री के क्वेश्चन भी बनेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए इसमें आगे कहा जा रहा है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 45%। प्री में आपको 45% लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे ये बात कही जा रही है कि मेंस की बात कर ले, ये हुई बात किसकी, ये हमने बात कर ली प्री की, ठीक है? अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस के विषय में थोड़ा सा यहां बताया गया, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मेंस में कितने पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर यहां पे जोड़े गए हैं। क्लियर? चलिए द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। 4 पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा 4 पेपर होंगे। पहले हम 5 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा आपका वो जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 पेपर आपके लॉ के होंगे, ठीक है? तो सेकेंड पेपर लॉ फर्स्ट होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। थर्ड पेपर लॉ सेकेंड होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड लास्ट में फोर्थ पेपर जो है लॉ थर्ड होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर? तो ये हुई बात किसकी, मेंस की। अब चलिए हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अब देखिए यहां पे ये कहा जा रहा है, ये मेंस का पूरा है, प्री हमने बता दिया, प्री के लिए स्पेशली कोई आपका पेपर यहां नहीं बताया गया कि प्री में ये पेपर, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो मेंस में जितने भी पेपर होंगे उन्हीं से आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा। जो 100 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके प्री के वो मेंस से ही बनेंगे, जितने पेपर है उन्हीं से आपका प्री का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब मेंस के विषय में हम लोग देखते हैं पेपर नंबर फर्स्ट, टोटल कितने पेपर आ रहे हैं, 4 पेपर है मेंस में। पहले 5 हुआ करते थे, अब क्या हो गया, अब 4 पेपर होंगे। पेपर नंबर
फर्स्ट क्या है, ये आपका जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का होगा। इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी, पहला आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और दूसरा लीगल लैंग्वेज पूछा जाएगा। ये जो पेपर नंबर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा, और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब जो ये दो चीजें हैं सेक्शन ए सेक्शन बी बना के पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। किसकी हो रही है? पेपर नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। यहां दो चीजें आपको पढ़नी है, एक जनरल अवेयरनेस पढ़ना है और दूसरा लीगल लैंग्वेज पढ़ना है। ये कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो है ये आपका 50 मार्क्स का होगा, वहीं पर लीगल लैंग्वेज जो है ये भी क्या है 50 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस पढ़ना है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस पढ़ना है। क्लियर? समझिए, यहां हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का इतिहास पढ़ना है, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह यहां पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हमें क्या पढ़ना, मोटे तौर पे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और हम कह सकते हैं पॉलिटी पढ़ना है, या आप कहें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसी से काम हो जाएगा हमारा यहां पॉलिटी में, ठीक है, करंट अफेयर को आप लगाए रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। कुल मिला के मोटे तौर पर इस जो जनरल अवेयरनेस में आपको 5 चीजें मोटे तौर पर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट इसमें पढ़ना है। क्लियर? ये कितना है? ये 50 मार्क्स का आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे यहां से। सेक्शन बी जो है ये लीगल लैंग्वेज आएगा इसमें। अब लीगल लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज? यहां हिंदी रहेगा और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज रहेंगे। और ये लैंग्वेज कैसे? लीगल लैंग्वेज रहेंगे, ध्यान रखिएगा, विधिक लैंग्वेज यहां यूज किया जाएगा और ये चीजें यहां पे पूछी जाएंगी। अब यहां पे 50 आपका नंबर का रहेगा, ये लीगल लैंग्वेज रहेगा, तो टोटल आपका हो गया 100, जनरल अवेयरनेस 50 और लीगल लैंग्वेज 50। तो ये किसकी हो गई बात? पेपर नंबर फर्स्ट की हो गई। अब चलिए पेपर नंबर हम लोग सेकेंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए पेपर नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट हो गया 100 मार्क्स का, वो आ रहा है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका यहां से लॉ फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये अब कितने मार्क्स का होगा? ये 200 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। क्लियर? अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, अब ये ध्यान रखिए, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसे हम सीपीसी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, द मोटर व्हीकल्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंडियन इजमेंट एक्ट, लॉ ऑफ इक्विटी, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, द कंटेंट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ध्यान रखिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पुराना वाला और ये नया वाला भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये दोनों एक्ट, एविडेंस एक्ट के दोनों पढ़ने हैं, नए वाले भी है और पुराने वाले भी है। देखिए इसमें कुछ एक्ट ऐसे हैं जो नए जोड़े गए, जैसे हम ले लें मोटर व्हीकल एक्ट हो गया या जनरल क्लॉजेस एक्ट हो गया, ये सब क्या है? ये नए एक्ट आपके यहां पे जोड़े गए हैं। कोर्ट फीस एक्ट हो गया, ये सब क्या है? नए एक्ट जोड़े गए। ये हुई बात पार्ट सेकंड की। अब चलिए देखते हैं पार्ट थर्ड। ये है पेपर नंबर 3 जो कि लॉ सेकंड है। ये 200 मार्क्स का होगा पेपर और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पेपर पूछे जाएंगे। यहां कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ध्यान दीजिए यहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुराना वाला सीआरपीसी रहेगा और उसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भी पूछा जा रहा है,
मतलब पुरानी सीआरपीसी और नई वाली जो सीआरपीसी है वो यहां पे पूछी जा रही है। ठीक है, दोनों ही आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इंडियन पेनल कोड, ये पुराना वाला और नया वाला, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये नई वाली आईपीसी और पुरानी दोनों पूछी जा रही है। तो कुल मिला के आप ये समझिए, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, जो पुराना वाला है वो भी पढ़ना है आपको, जो नया वाला है वो भी पढ़ना है। ठीक है, 2023 में आया वो भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब देखिए नए जोड़े गए हैं, पहले नहीं रहा करते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसे हम पॉक्सो कहते हैं, यहां से सब नए नए जोड़े गए हैं। जो नए जस्टिस एक्ट, नया जोड़ा गया, और प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी नया जुड़ा है। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी नया जुड़ा। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये भी नया जुड़ा। इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ये भी नया जुड़ा है। The Arms Act, ये भी नया जुड़ा है। Prevention of Money Laundering Act 2002, The Narcotic Drugs Act, ये भी नया जुड़ा है। उत्तर प्रदेश डकैती अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1983, ये भी नया जुड़ा है, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। SC ST Act, ये नया जुड़ा है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, पुराना, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये नया वाला, ये भी आपको पढ़ना है। तो जो जो नए जुड़े हैं वो हमने आपको बता दिए, क्या क्या नए इसमें जुड़े हैं। काफी आपको देखने को मिल रहा होगा कि काफी एक्ट यहां पर नए जोड़े गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर 4 की। देखिए पेपर नंबर 4 लॉ, थर्ड पेपर, लॉ का आखिरी पेपर, इसमें देख लेते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मिनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मोहम्मदन लॉ, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, द इंडियन सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, द फैमिली कोर्ट एक्ट, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 एंड रूल्स ऑफ 2016। ध्यान रखिएगा यहां पर जो रेवेन्यू कोड है ये आपका अब एक्ट के साथ रूल भी पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, अब ये ध्यान दीजिए, ये जो इतना बड़ा नाम गया आपका, अब ये आपको पढ़ना है। जो यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट था 1972 का, अब उसको यहां से हटा दिया गया है। अब उसके जगह आपको क्या पढ़ना है, अब आपको यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमाइसिस टेनेंसी एक्ट 2021 को पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये चीज और ध्यान देंगे, यहां 2021 का एक एक्ट है, एक एक्ट और ये यहां पर है दिया गया, ये कौन सा एक्ट है आपका, ये है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, ये दोनों ही नए जुड़े गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, फिर द उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीडरेशन एक्ट 1996, द कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, द लैंड एक्विजिशन एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, टुगेदर विद रूल्स, यहां पर एक्ट के साथ आपको रूल्स भी पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद द इंडियन एविडेंस एक्ट, नया वाला और आपका पुराना वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी यहां पे आपको पढ़ने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2021 में आपको दो एक्ट यहां को देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो मेन आपका पॉइंट है ये है कि जो पंचायत एक्ट हम लोग पढ़ा करते थे पहले, अब उसको यहां से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहां जो पेपर नंबर 4 है
यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायत एक्ट को निकाल दिया गया है और जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट था 1972 उसको निकाल दिया गया है, उसके जगह नए नए एक्ट को लाया गया है। जैसे 2021 में इसको लाया गया, 2021 में इसको लाया गया, और भी एक्ट हैं जो इनको यहां पर नए लाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने आपको प्री बताया, मेंस बताया और इंटरव्यू के विषय में बताया। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आपको यूपी एचजीएस की क्लास ज्वाइन करनी है, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, लोकल एक्ट हो, या नए नए जो एक्ट आपके जुड़े हैं उनसे संबंधित कोई भी एक्ट हो, अगर आपको उनकी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।